नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण और सियासी दिग्गजों की आर पार की चुनावी लड़ाई। इस चुनावी मौसम में आधे से ज्यादा नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। यूं तो देखिए चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन यूपी का चुनाव सबसे खास है, क्योंकि यूपी चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि 2024 में किसकी सरकार आएगी, और जो कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। और इसलिए चुनाव जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के योद्धाओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। व्यक्तिगत हमलों से लेकर देखिए हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने पर लगा हुआ है। जिन्ना से लेकर हिजाब और गजवाए हिंद की एंट्री हो चुकी है। यूपी के 7 चरणों की वोटिंग जारी है। 10 मार्च की तस्वीर यह तय करेगी कि अब की बार यूपी की जनता ने किसको चुना है। इस बीच नेताओं की जुबान से लेकर ज्योतिषों की तरफ से तमाम चुनावी भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे फकीर की भविष्यवाणी लेकर आए हैं जो पैसा बांटने के लिए मशहूर है। भक्त द्वारा उन्हें चढ़ावे में जो कुछ मिलता है उसे वो आशीर्वाद के रूप में लोगों में ही बांट देते हैं। असल में आगरा से करीब 100 से ज्यादा उम्र के एक फकीर बाबा ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने अब तक की अपनी साधना और आत्मशक्ति के बल पर यह भविष्यवाणी की है कि पार्टी चाहे कोई भी जीते, लेकिन योगी जी एक संत हैं और वहीं इस बार फिर से शपथ लेंगे। साधारण से दिखने वाले ये फकीर बाबा, जो उम्र के 100 साल का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लोगों की नजरों में एक सिद्ध योगी हैं, एक महान संत हैं और एक भविष्यवक्ता भी हैं। मोहब्बत की नगरी आगरा के ताजमहल के पूर्वी गेट पर ये फकीर बाबा पिछले 40 सालों से एक मंदिर में रह रहे हैं। इनका नाम राम प्रकाश शर्मा है, लेकिन अब ये दुनिया के लिए एक फकीर। फकीर बाबा पर विश्वास करने वाले बताते हैं कि इन्होंने फतेहपुर सीकरी की शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर सालों तक साधना की, फिर ताजगंज शमशान में भैरव बाबा के मंदिर पर भी साधना की, और 20 साल पहले 30 दिनों तक लगातार जमीन के अंदर समाधि लेकर ये रहे, और अब देखिए 41 दिनों के लिए फिर से समाधि में लीन होने जा रहे हैं। और जो कि देखिए हम हमेशा ये कहते हैं, मानो तो भगवान ना मानो तो पाषाण, और ठीक इसी तरह इस फकीर बाबा पर गहरी असर रखने वाले इनके अनुयायी ये कहते हैं कि अपने गुरु से मिले शक्तियों के बल पर फकीर बाबा आज भी कई असाध्य रोगियों को दुआ से सही करते हैं और लोगों के बिगड़े कार्यों को भी सफल बना देते हैं। और जो कोई भी फकीर बाबा के दर पर आता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वैसे तो देखिए भारत हमेशा से सिद्ध पुरुषों और ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, लेकिन आज के दौर में बाबा के भेष में बहुरूपीय भी मिलते हैं और सिद्ध पुरुष भी होते हैं। लेकिन 100 साल से भी ऊपर ज्यादा की उम्र के इस फकीर बाबा की क्या सच्चाई है, ये तो देखिए हम भी नहीं जानते। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर इनका क्या कहना है ये आपको जरूर बताएंगे। तो समाधि से पहले योगी आदित्यनाथ पर भविष्यवाणी करने वाले फकीर बाबा का ये कहना है, हम योगी आदित्यनाथ को नेता नहीं मानते हैं, बल्कि वो हमारी तरह एक संत हैं। योगी बेजुबान जानवरों से प्रेम करते हैं। मैं अपनी आत्मा को मानता हूँ और उसी की पूजा करता हूँ। मेरी आत्मा ने मुझसे कहा है कि योगी आदित्यनाथ ही चुनाव जीतेंगे। वैसे देखा जाए तो देश भर के ज्यादातर संत इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि जो राम को लाए हैं वही आएंगे, और जो कि हिंदू धर्म के हित में कार्य करेगा वही सरकार बना पाएगा। अब ये देखना बाकी है कि इन संतों की जुबान से निकली ये तमाम चुनावी भविष्यवाणियां इस बार कितनी सटीक बैठती हैं। वैसे इस फकीर बाबा के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भूतनाथ
अंधो धनारिच धनवाप दिवावित नागारु नागपासो देवकेश कपाल दित काल कपाल मालिच कमली कला निधि तिलोचनो जन्यता सिगिच तिलोपति ने तोडिंब शांत शांत जनप्रिय बटको बटको खटवांग वधारक भूताद सुपदु विश्व प्रचारिक दूतो दिगंबर सुणि पांडु दलम प्रशांत शांति शुद्ध शंकर प्रिय बांधवम अष्टमुदीति चक्षु ज्ञान चक्षु तपोमे अष्टाधार चलाधार सर्वे भूधरो भूधरादि सुपति वरदराज कंकाल धारी मुंडी च नागेद्यो पवित ग जिम्बडो मोहन स्तंभी मारण चोबड़त सासु दुलांजन पक्को दत्ता मुंड भूषित बलबुक बलबुक नाथो च बालो बाल पराक्रम सर्वापत्ता रोण दुर्गो दुर्षभ कामी कला निधि कांत कामी वच गीत वची सर्व सिद्धि पदो वैद प्रभ विष्णु बम पटुकाय आप तु ढाल है महागुरु गुरु वच काय पद धीरोगा नाम व्याधि नाम काल और पुष्प घुमागे बेगी जे चरण में बाबा उपस्थित जनपद पीलीभीत से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। किस पवित्र मांगलिक कार्यक्रम में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले विवाह के इस पवित्र बंधन से जुड़ने वाले और निकाह की परंपरा के साथ में जुड़ने वाले इन सभी नौ युवकों को नौ युवतियों को हृदय से बधाई देता हूं। इन सबके सफल दाम्पत्य जीवन की कामना करता हूं। यहां पर आने से पहले मैंने भगवान शिव का इस मंदिर में दर्शन किया और आने के बाद फिर मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लगभग 500 से ज्यादा विवाह और 18 के आसपास निकाह के कार्यक्रम यहां पर एक साथ संपन्न हो रहे हैं। वास्तव में ये आवश्यकता थी। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक स्लोगन दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इस नारा केवल नारा ही नहीं, ये हकीकत भी है और इसे हकीकत में बदलने के लिए ही इतने सारे कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार चला रही है। अभी अभी हाल ही में हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना घोषित की। ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना